हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम असद, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली डॉज कॉइन के बारे में। कल परसों भी मैंने जो है डॉज कॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी और वहाँ जब प्राइस बनाई थी 7-8 सेंट के आसपास प्राइस चल रहा था और करंटली जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो 10.5 सेंट के आसपास प्राइस चल रहा है और यहाँ पे जो है 12% लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो है इसका प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे छोटे छोटे साइंस हैं ना जो कन्वर्जन के साइन होते हैं, जो बॉटम के बाद जो है मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड की तरफ मूव करना जो है वो मुझे पर्सनली लगता है कि शुरू हो चुकी है। हो सकता है यहाँ से एक नई बॉटम बने बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करना शुरू करेगी। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे हालविंग के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे जो है बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन नेक्स्ट जो है 2024-25 तक कहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी ना, वो बताई थी कि 2023 में जो है हमें मार्केट के अंदर एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रीवियस हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रीवियस हिस्ट्री में ना यहाँ पे जब भी हालविंग हुई है उससे एक साल पहले ही मार्केट रिकवर करना शुरू कर जाती है और मार्केट रिकवर करती है और उसके बाद हालविंग वाले साल में भी मार्केट ऊपर जाती है और उसके नेक्स्ट ईयर जो है हाफ ईयर 6 महीने 3 महीने तक मार्केट ऊपर जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट बेरिश होना शुरू हो जाती है। तो अभी जो है रिकवरी फेज़ जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएसए का इन्फ्लेशन रेट वो भी नीचे आ रहा है, यहाँ पे सीपीआई डेटा सारी चीज़ें अगर आप देखोगे कंबाइन करके तो यहाँ पे अब क्रिप्टो मार्केट में एक पॉजिटिव मूव जो है वो चल रहा है। अभी देखिए ना, अभी यहाँ पे हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हैं और डॉज कॉइन यहाँ पे देखिए ये जो इसका प्राइस है यहाँ पे 10.5 सेंट के आसपास चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट अभी और भी अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। अभी जो है डॉज कॉइन का प्राइस और ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू में जाएं और उसके बाद यहाँ पे इसका चार्ट देखने की कोशिश करें, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए चार्ट में जो है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक सडन मूव जो है हमें अपसाइड की तरफ दिख रहा है। तो डॉज कॉइन में अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा यहाँ पे पार्ट एंट्रीज आप ले सकते हो। हालांकि ये बात भी है कि यहाँ से डॉज कॉइन जो है अपसाइड की तरफ ही मूव करेगा और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट का अगर हम देखें ना यहाँ पे तो क्रिप्टो मार्केट आप देखोगे मार्केट के अंदर नया पैसा आ रहा है। आपको लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं लेकिन मार्केट जो है अभी अपसाइड मूव कर रही है। नया पैसा जो है मार्केट के अंदर आ रहा है, $843 बिलियन जो है मार्केट कैप हो चुकी है। हालांकि कल से ना मार्केट अप गई है ना डाउन गई है, लास्ट 24 आवर्स में अगर आप देखोगे 0.00% ना ऊपर ना नीचे। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे डोमिनेंस देखिए, बिटकॉइन की डोमिनेंस घट रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है वो पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे करंट प्राइस जो है बिटकॉइन का जो चल रहा है तो वो अभी करंट प्राइस यहाँ पे $16,500 चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट ओपन किया हुआ और मुझे लगता है यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है। डॉज कॉइन के अंदर ना पैसा जो डबल हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर आपने $100 लगाए थे और वो अभी $200 हो चुके हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे बाकी जो पैसा है वो आप रहने दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर $100 के $200 हो चुके हैं तो यहाँ पे $150 निकाल लीजिए, उसके बाद $50 लगे रहने दीजिए, आगे देखेंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। और डॉज कॉइन में अगर आपने देखा होगा ये मूवमेंट क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे $9.2 के आसपास $9.3 के आसपास बहुत बड़ी बाइंग हुई है, वेल्स की बाइंग हुई है और यहाँ पे ये अब एज अ सपोर्ट काम करेगा। कुछ टाइम के लिए इससे प्राइस नीचे गया था लेकिन बहुत जल्दी जो है कुछ ही दिनों में प्राइस रिकवर हो चुका है। और अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है अभी अपसाइड मूव कर रही है। और XRP के ऊपर अपनी खास नज़र रखिएगा। XRP का जो यहाँ पे केस चल रहा है SEC के साथ वो कभी भी सॉल्व हो सकता है, वो केस कभी भी ख़त्म हो सकता है, उसके बाद जो है XRP का प्राइस और ज़्यादा अपसाइड मूव करेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है क्रिप्टो के रिलेटेड, डॉज कॉइन के रिलेटेड, कार्डानो के, XRP के, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड या कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग उसके ऊपर इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पर हम जो है उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी नहीं लगी तो खुल के डिसलाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्यों वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम पर अपडेट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं और ज़रूरी अपडेट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं।
ये तो आपको भी पता है, हर टाइम बंदा अवेलेबल नहीं होता और वीडियो नहीं बना पाता। इंस्टेंट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इंस्टेंटली जानना ज़रूरी होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ट्रेड्स लेना होता है, या फिर अगर फ्यूचर्स में ट्रेड ली हुई है उसको एग्जिट करना होता है या कोई नई ट्रेड लेनी होती है, तो ये चीज़ें जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम असद, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।